इमामा ने टेबल पर रखे बर्तन उठाकर ट्रे में रखते हुए उसे देखे बगैर बड़ी सर्द मेहरी के साथ कहा, मैं आज यहीं रहूंगी सईदा अम्मा के पास। सालार चंद लम्हों के लिए बिल्कुल भौंचका रह गया। उसने पिछले कई घंटों में एक बार भी ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था कि वो सईदा अम्मा के पास रात गुजारने का इरादा रखती है, और अब यकदम बैठे बिठाए ये फैसला, हाँ बिल्कुल यहीं छोड़ जाओ इसे, सईदा अम्मा ने फौरी ताईद की। इमामा उसके इनकार की मुंतजिर थी। ठीक है, वो रहना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, सालार ने बड़ी सहूलत से कहा। बर्तन समेटती इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। उसने एक मिनट के लिए भी उसे साथ ले जाने पर इसरार नहीं किया था। वो इतना तंग आया हुआ था उससे। इससे पहले कि सालार कुछ और कहता, वो एक झपाके के साथ कमरे से निकल गई। सईदा अम्मा ने बेहद कहर आलूद नजरों से उसे देखा। सालार ने जैसे इमामा के हर इल्जाम की तस्दीक कर दी थी। सालार को इमामा के यूं जाने की वजह समझ में आई, ना सईदा अम्मा की इन मलामती नजरों का मफहूम समझ सका वो। वो गुफ्तगू जितनी अपसेट करने वाली थी, उतना ही इमामा का यकदम किया जाने वाला ये ऐलान था कि वो आज वहीं रहेगी। उसे बुरा लगा था, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा था कि वो उस पर एतराज या खफगी का इजहार करता, और वो भी सईदा अम्मा के सामने। ओके, मैं चलता हूं फिर, वो सईदा अम्मा के साथ बाहर सहन में निकल आया। का ख्याल था इमामा किचन में बर्तन रखकर उसे खुदा हाफिज कहने तो जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई थी। वो कुछ देर सईदा अम्मा से बेमकसद बातें करता सहन में खड़ा उसका इंतजार करता रहा। सईदा अम्मा के लहजे में इतनी सर्द महरी ना होती तो उनसे इमामा को बुलवाने का कहते हुए उसे झिझक महसूस ना होती। सईदा अम्मा के घर से निकलते हुए उसने पहली बार उस मोहल्ले में उनके सामने वाले घर को सर उठाकर देखा था। वहां से अकेले वापस आना उसे खल रहा था। वो इतने साल उसके बगैर ही रहा था, उसे कभी तन्हाई नहीं चुभी थी। उसने एक रात उसके साथ गुजारी थी और तन्हाई का मफहूम उसकी समझ में आ गया था। वहां से वापसी की ड्राइव उसकी जिंदगी की सबसे तवील ड्राइव थी। कल भाई साहब के यहाँ चलेंगे, उन्हें बताएंगे ये सब कुछ, वही बात करेंगे सालार से, सईदा अम्मा उसके पास बैठी कह रही थी। वो बेहद परेशान थी। इमामा ने उनकी बात की ताईद की ना तरदीद। अब उसका दिल कुछ भी कहने को नहीं जा रहा था। वो बस अपने बेड पर कंबल ओढ़े चुपचाप बैठी सईदा अम्मा की बातें सुनती रही। अच्छा चलो अब सो जाओ बेटा, सुबह सहरी के लिए भी उठना होगा। सईदा अम्मा को अचानक ख्याल आया। बेड से उठकर कमरे से निकलते हुए उन्होंने पूछा, लाइट ऑफ कर दूं? पिछली रात एक झमाके के साथ उसे याद आई थी। नहीं रहने दें, वो भराई हुई आवाज में कहते हुए लेट गई। सईदा अम्मा दरवाजा बंद करके चली गई। कमरे की खामोशी ने उसे सालार के बेडरूम की याद दिलाई। हाँ अच्छा है ना, मैं नहीं हूँ, आराम से लाइट ऑन करके सो तो सकता है, यही तो चाहता था वो। वो फिर से रंजीदा होने लगी और तभी उसका सेलफोन बजने लगा। इमामा के खून की गर्दिश पल भर के लिए तेज हुई। वो उसे बिलाखिर कॉल कर रहा था। उसने बेहद खफगी के आलम में फोन बेड साइड टेबल पर फेंक दिया। वो उसे साथ लेकर नहीं गया, और अब उसे उसकी याद आ रही थी, उसकी रंजीदगी गुस्से में बदल रही थी। वो इस तरह क्यों कर रही थी कि राई का पहाड़ बना रही थी। उसने जैसे अपना तज्जिया किया और इस तज्जिये ने भी उसे अजियत दी। मैं जूद रंज हो गई हूं या वो मुझे जानबूझकर बुरी तरह इग्नोर कर रहा है, ये जताना चाहता है कि मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसके दोस्त, उसका ऑफिस, उसकी फैमिली, बस ये अहम है उसके लिए। दोबारा कॉल नहीं आई। चंद सेकंड के बाद उसका मैसेज आया था। उसे यकीन था कि वो यकीनन उससे कहेगा कि वो उसे मिस कर रहा था। टेक्स्ट मैसेज में उसके लिए एक रीलोड कार्ड का नंबर था और उसके नीचे दो लफ्ज, गुड नाइट स्वीटहार्ट। पहले उसे शदीद गुस्सा आया, फिर बुरी तरह रोना आया। उसे पहले भी जिंदगी में सालार सिकंदर से बुरा कोई नहीं लगा था, और आज भी उससे बुरा कोई नहीं लग रहा था। आमना से बात करवा दो, मैं और तैयबा भी उससे बात कर लें, शादी कर ली, उसे घर भी ले आओ। अब
किसी काम में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? सिकंदर ने इब्तदाई सलाम दुआ के साथ छूटते ही उससे कहा, वो आज अपने महके में है। सालार ने कुछ सोच कर कहा, तो बरखुरदार तुम भी अपने ससुराल में ही ठहरते, तुम मुंह उठाकर अपने अपार्टमेंट क्यों आ गए? सिकंदर ने उसे डांटा। वो जवाबन हंसा, मम्मी पास ही हैं। उसने मौजू बदला, हाँ क्यों, बात करनी है? नहीं, फिलहाल तो आप ही से बात करनी है, बल्कि कुछ ज्यादा सीरियस बात करनी है। सिकंदर यकदम सीधे होकर बैठ गए। ये सालार सिकंदर था, वो अगर सीरियस कह रहा था तो बात यकीनन बहुत सीरियस थी। क्या बात है? मुझे असल में आमना के बारे में आपको कुछ बताना है। सिकंदर उलझ गए। वो आमना के बारे में उन्हें निकाह के बाद बता ही चुका था। डॉक्टर सिप्ते अली की बेटी, जिसके साथ उसने अपनी कुछ जाती वजूहात की बिना पर इमरजेंसी में निकाह किया था। सिकंदर उस्मान डॉक्टर सिप्ते अली को जानते थे और सालार के तवस्सुत से दो तीन बार उनसे मिल भी चुके थे। वो डॉक्टर सिप्ते अली की बेटी के बजाय किसी भी लड़की से इस तरह अचानक उन लोगों को मुतला किए बगैर निकाह करता, तब भी उन्हें एतराज ना होता। वो और उनकी फैमिली कुछ इतनी ही लिबरल थी और सालार तो बहरहाल स्पेशल केस था। ये मुमकिन नहीं था कि वो शादी इंसानों की तरह करता। ये तबसरा तैयबा का था, जो उन्होंने उसके निकाह की खबर मिलने पर कदरे खफगी लेकिन इत्मीनान के साथ किया था। और अब वो कह रहा था कि उसे आमना के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना है आमना के बारे में? सालार ने गला साफ किया। बात कैसे शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा था। आमना असल में इमामा है। तमहीद उसने जिंदगी में कभी नहीं बांधी थी, फिर अब कैसे बांधता? दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। सिकंदर को लगा उन्हें सुनने में कुछ गलतफहमी हुई है। क्या क्या मतलब? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। इमामा को डॉक्टर साहब ने अपने घर में पनाह दी थी, वो इतने सालों से उन्हीं के पास थी। उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया था उसके तहफ्फुज के लिए। मुझे निकाह के वक्त ये पता नहीं था कि वो इमामा है, लेकिन वो इमामा है। आखिरी जुमले के अलावा उसे बाकी की तफसील अहमकाना नहीं लगी। सिकंदर उस्मान ने रुकती हुई सांस के साथ बराबर के बेड पर बैठी बीवी को देखा, जो स्टार प्लस पर कोई टॉक शो देखने में मसरूफ थी, और ये अच्छा ही था। वो उसी तरह रुकती हुई सांस के साथ नंगे पांव अपने बिस्तर से उतरकर बेडरूम का दरवाजा खोलकर बेहद उजलत के आलम में बाहर निकल गए। तैयबा ने कुछ हैरत से उन्हें इस तरह अचानक जाते देखा। एक तो इन बाप बेटे का रोमांस ही खत्म नहीं होता, अब दो घंटे लगाकर आएंगे। तैयबा ने कदरे खफगी से सोचा और दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गई। बाहर लाउंज में सिकंदर उस्मान के 14 तबक रोशन हो रहे थे। वो अभी चंद घंटे पहले ही तैयबा के साथ अपनी आखिरी औलाद के सेटल हो जाने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए उसका वलीमा प्लान कर रहे थे, और उन्हें वक्ती तौर पर ये भूल गया था कि वो आखिरी औलाद सालार सिकंदर था। दो घंटे तक लाउंज में उसके साथ तवील गुफ्तो शनीद के बाद वो जब बिलाखिर वापस बेडरूम में आए तो तैयबा सो चुकी थी, लेकिन सिकंदर उस्मान की नींद और इत्मीनान दोनों रुखसत हो चुके थे। वो तकरीबन 2:30 बजे डॉक्टर साहब के ड्राइवर के साथ उसके अपार्टमेंट पर पहुंची थी, और उसने आते ही सबसे पहले दोनों बेडरूम्स चेक किए थे। बेडरूम्स या बाथरूम्स में कुछ रखने की जरूरत पेश नहीं आई। सालार ऑफिस जाने से पहले यकीनन हर काम खुद ही करके गया था। उसने एक बार फिर अपने वजूद को बेमसरफ महसूस किया। एक बेडरूम शायद पहले ही गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जबकि दूसरा बेडरूम वो स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा था। वहां एक रैक पर किताबों के ढेर के अलावा उसी तरह के रैक्स पर सीडीज और डीवीडीज के अंबार भी नजर आए। सिटिंग रूम में मौजूद रैक्स पर भी डीवीडीज और सीडीज थी, लेकिन उनकी तादाद उस कमरे की निस्बत बहुत कम थी। कमरे में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए थे और एक स्टडी टेबल जिस पर एक डेस्कटॉप था। वो स्टडी टेबल उस कमरे की वो वाहिद चीज थी जिस पर पड़े कागज, फाइल्स और डेस्क ऑर्गेनाइजर उसे बेतरतीब नजर आए। वो उठने से पहले उसे ठीक करना भूल गया था, या शायद उसके पास वक्त नहीं था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो इन पेपर्स को ठीक कर दे,
अगले ही लम्हे उसने ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। उसे खदशा था वो ये काम सालार जैसी परफेक्शन के साथ नहीं कर सकती थी, और अगर कोई पेपर इधर उधर हो गया तो। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। फ्रिज और फ्रीजर में वाकई खाने का बहुत सा सामान था, और उसको यकीन था कि इनमें से 90% अशिया फुरकान और नौशीन की मरहूने मिन्नत थी। जो चीजें सालार की अपनी खरीदारी का नतीजा थी उनमें फलों के अलावा ड्रिंक्स और टिन पैक्ड फूड आइटम्स की एक महदूद तादाद थी। उसने चंद टिन निकाल कर देखे, वो तकरीबन सबके सब सी फूड थे। इमामा को खाने में सिर्फ एक चीज नापसंद थी, सी फूड। रोजे की वजह से उसका मैदा खाली ना होता तो इन डब्बों पर बने हुए क्रैब्स और प्रॉन्स देखकर उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती। उसने बड़ी मायूसी के आलम में इन टिन्स को वापस फ्रिज में रख दिया। यकीनन वो डेकोरेशन के मकसद से खरीद कर नहीं रखे गए थे। वो खरीद कर लाता था तो यकीनन खाता भी होगा। उसका खराब मूड कुछ और अबतर हुआ। अभी और क्या क्या पता चलना था उसके बारे में। उसने किचन के कैबिनेट्स खोलकर देखे और बंद कर दिए। उसे अंदाजा हो गया था कि इस किचन में फ्रिज के अलावा सिर्फ कॉफी कैबिनेट्स और बर्तनों के रैक्स के अलावा कहीं कुछ नहीं। वो किचन सिर्फ नाश्ते और सैंडविच वाले मील्स के अलावा सिर्फ चाय या कॉफी के लिए इस्तेमाल होता था। वहां उसे चंद फ्राइंग पैन्स के अलावा किसी किस्म के पकाने के बर्तन नजर नहीं आए। किचन में मौजूद क्रॉकरी भी एक डिनर सेट और चंद वाटर और टी सेट्स पर मुश्तमिल थी, या इसके अलावा कुछ मग्स थे या फिर ब्रेकफास्ट सेट। यकीनन उसके घर आने वाले अफराद की तादाद भी ज्यादा नहीं थी। वो किचन से निकल आई। अपार्टमेंट का वाहिद गैर दरियाफ्त शुदा हिस्सा बालकोनी था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई, और वो पहली जगह थी जहां आते ही उसका दिल खुश हुआ था। 6 फुट चौड़ी और 12 फुट लंबी वो टेरिस नुमा बालकोनी को टेरिस गार्डन कहना ज्यादा मुनासिब था। मुख्तलिफ शक्लों और साइजेस के गमलों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और बेलें लगी हुई थी, और शदीद सर्द मौसम में भी उनकी हालत बता रही थी कि उन पर खासी मेहनत और वक्त लगाया गया था। वहां आस पास की बालकोनियों से भी उसे सब्ज रंग के पौधे और बेलें झांकती नजर आ रही थी, लेकिन यकीनन सालार की बालकोनी की हालत सबसे बेहतर थी। लाउंज की कद आदम खिड़कियां भी इसी बालकोनी में थी, और बालकोनी में उन खिड़कियों के पास दीवार के साथ जमीन पर एक मैट मौजूद था। वो शायद यहां आकर बैठता होगा या धूप में लेटता होगा, शायद वीकेंड पर, वरना सर्दी के मौसम में इस मैट की वहां मौजूदगी का मकसद उसे समझ में नहीं आया। बालकोनी की मुंडेर के करीब एक स्टूल पड़ा हुआ था, वो यकीनन वहां आकर बैठता था नीचे देखने के लिए। मुंडेर पर मग के चंद निशान थे। चाय या कॉफी पीता है यहां बैठकर, मगर किस वक्त? यकीनन रात को, उसने सोचा और आगे बढ़कर नीचे झांका। वो तीसरी मंजिल थी, और नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग थे। कुछ फासले पर कंपाउंड से बाहर सड़क भी नजर आ रही थी। वो एक पोश एरिया था और सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। वो वापस अंदर आ गई। वो कपड़े तब्दील करके अभी अपने बाल बना ही रही थी जब उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। फौरी तौर पर उसे नौशीन ही का ख्याल आया था, लेकिन दरवाजे पर एक रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय चंद पैकेट्स लिए खड़ा था। मैंने ऑर्डर नहीं किया। उसे लगा शायद वो किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। उसने जवाबन सालार सिकंदर का नाम एड्रेस के साथ दोहराया। चंद लम्हों के लिए वो चुप सी हो गई। वो कम अज कम इतना बेपरवाह नहीं था इसके बारे में कि उसके इफ्तार के लिए कुछ इंतजाम करना भूल जाता। वो सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए ऑफिस से निकल चुका होगा, और एयरपोर्ट पहुंचने की भाग दौड़ में उसे शायद वो याद भी नहीं होगी। किचन में उन पैकेट्स को रखते हुए उसका गुस्सा और रंजीदगी कुछ कम हुई, और ये शायद इसका ही असर था कि उसने कॉल करके सालार को मुतला करना और उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी समझा। वो इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसने फौरन कॉल रिसीव की थी। इमामा ने उसे खाने के बारे में बताया। मैं रात का खाना अक्सर इस रेस्टोरेंट से मंगवाता हूं, खाना अच्छा होता है इनका, उसने जवाबन बड़े मामूल के अंदाज में कहा। मैंने सोचा मैं जब तक उन लोगों को लेकर घर आऊंगा तुम तब तक भूखी बैठी रहोगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर यकदम उसे एहसास हुआ
कि यह बहुत मुश्किल काम है। सालार से ये दो लफ्ज कहना एक अजीब सी झिझक थी जो उसे महसूस हो रही थी। वो तकरीबन 9:15 के करीब आया और डोरबेल की आवाज पर वो बेख्तियार नर्वस हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो सालार की फैमिली के रद्दअमल से खायफ थी। एक हमसाये के तौर पर भी दोनों फैमिलीज के दरमियान बेहद रस्मी ताल्लुकात थे और बाद में होने वाले वाकयात ने तो ये फॉर्मेलिटी भी खत्म कर दी थी। उसे कई साल पहले सिकंदर उस्मान से फोन पर होने वाली गुफ्तगू याद थी और शायद उसके खदशात की वजह भी वही कॉल थी। बैरूनी दरवाजा खोलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। सिकंदर उस्मान समेत तीनों अफराद उससे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले थे। वो उनके रवैयों में जिस रूखेपन और खफगी को ढूंढ रही थी वो फौरी तौर पर उसे नजर नहीं आई। इमामा की नर्वसनेस में कुछ कमी आई। फुरकान के घर डिनर के दौरान उसकी यह नर्वसनेस और भी कम हुई। अनीता और तैयबा दोनों बड़े दोस्ताना अंदाज में नौशीन और उससे बातें करती रहीं। नौशीन और फुरकान सालार के वालदैन से पहले भी मिल चुके थे लेकिन नौशीन अनीता से पहली बार मिल रही थी और दोनों का मौजूए गुफ्तगु उनके बच्चे थे। वो बेहद पुरसुकून अंदाज में एक खामोश सामे की तरह उन लोगों की बातें सुनती रही। वो नहीं चाहती थी कि फुरकान के घर में उसकी शादी या उसकी जात मौजूए गुफ्तगु बने। अपने अपार्टमेंट में वापसी के बाद पहली बार सिकंदर और तैयबा ने सिटिंग रूम में बैठे उससे बात की और तब इमामा ने उनके लहजे में छुपी इस तशवीश को महसूस किया जो इमामा की फैमिली के मुतवक्के रद्देअमल से उन्हें थी। उसका एतमाद एक बार फिर गायब हो गया। अगरचे उन्होंने खुलेआम इमामा के सामने हाशिम मुबीन या उनके खानदान के हवाले से कोई बात नहीं की लेकिन वो लोग अब वलीमे का फंक्शन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में मुनक्किद करना चाहते थे। वो सालार की राय सुनना चाहती थी लेकिन वो गुफ्तगू के दौरान खामोश रहा। जब गुफ्तगू के दौरान खामोशी के वक्फों की तादाद बढ़ने लगी तो यकदम इमामा को एहसास हुआ कि गुफ्तगू में आने वाली इस बेरब्तगी की वजह वो थी। वो चारों उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सहरी के लिए उठना होगा, हम लोग तो अभी कुछ देर बैठेंगे, उसके नींद आने के बहाने पर सिकंदर उस्मान ने फौरन कहा था। वो उठकर कमरे में आ गई। नींद आना बहुत मुश्किल थी। 2 दिन पहले जिन खदशात के बारे में उसने सोचा भी नहीं था अब वो उनके बारे में सोचने लगी थी। उसे अंदाजा था कि सिकंदर उस्मान उन दोनों की शादी को खुफिया ही रखना चाहते हैं ताकि उसकी फैमिली को उसके बारे में पता ना चले। वो बहुत देर तक अपने बेड पर बैठी इन खदशात और खतरात के बारे में सोचती रही जो उन्हें महसूस हो रहे थे। इस वक्त वहां अकेले बैठे पहली बार उसने सोचा कि उससे शादी करके सालार ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। जो भी उससे शादी करता वो किसी ना किसी हद तक खुद को गैर महफूज जरूर कर लेता लेकिन सालार सिकंदर की सूरत में सूरतेहाल इसलिए ज्यादा खराब होती क्योंकि उसके साथ इसके इस रिश्ते का इंकशाफ होने के चांसेस ज्यादा थे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, उसने सोचा। मुझे या सालार को जान से तो कभी नहीं मारेंगे। उसे अब भी अंधा एतमाद था कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली इतना लिहाज जरूर करेगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर सालार से तलाक दिलवाकर कहीं और शादी करना चाहेंगे। उसके इस्तराब में यकदम मजीद इजाफा हुआ। सब कुछ शायद इतना सीधा नहीं था जितना वो समझ रही थी या समझने की कोशिश कर रही थी। ये अपनी मर्जी से कहीं शादी करने का मसला नहीं था, ये मजहब में तब्दीली का मामला था। उसे अपने पेट में गिरहें पड़ती महसूस हुई। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। उस वक्त पहली बार सालार से शादी करना उसे एक गलती लगी। वो एक बार फिर उसी खाई के किनारे आकर खड़ी हो गई थी जिससे वो इतने सालों से बचती फिर रही थी। नींद में वो उसके हाथों में रस्सियां बांधकर उसे खींच रहे थे। रस्सियां इतनी सख्ती से बांधी हुई थी कि उसकी कलाइयों से खून रिसने लगा था और उनके हर झटके के साथ वो दर्द की शिद्दत से बेख्तियार चिल्लाती। वो किसी बाजार में लोगों की भीड़ के दरमियान किसी कैदी की तरह ले जाई जा रही थी।
दोनों अतराफ में खड़े हुए लोग बुलंद आवाज में कहकहे लगाते हुए उस पर आवाजें कस रहे थे। फिर उन लोगों में से एक मर्द ने, जो उसकी कलाइयों में बंधी रस्सियों को खींच रहा था, पूरी कुव्वत से रस्सी को झटका दिया। वो घुटनों के बल उस पथरीले रास्ते पर गिरी। इमामा, इमामा, इट्स मी, उठ जाओ, सहरी खत्म होने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। वो हड़बड़ाकर उठी, बेड साइड टेबल लैंप ऑन किया। सालार उसके पास खड़ा नरमी से उसका कंधा हिलाते हुए उसे जगा रहा था। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया, सालार ने माजरत की। वो कुछ देर तक खाली जहन के साथ उसका चेहरा देखती रही। वो गुजरे हुए सालों में ऐसे ख्वाब देखने की आदी हो गई थी और ख्वाबों का यह सिलसिला अब भी नहीं टूटा था। कोई ख्वाब देख रही थी? सालार ने झुककर गोद में रखे उसके हाथ को हिलाते हुए पूछा। उसे यूं लगा था वो अभी भी नींद में थी। इमामा ने सर हिला दिया। वो अब नींद में नहीं थी। तुम कंबल लिए बगैर सो गई, सालार ने ग्लास में पानी उंडेलते हुए कहा। इमामा ने चौंक कर बेड पर पड़े कंबल को देखा। वो वाकई उसी तरह पड़ा था। यकीनन वो भी रात को कमरे में सोने के लिए नहीं आया था। कमरे का हीटर ऑन रहा था, वरना वो सर्दी लगने की वजह से जरूर उठ जाती। जल्दी आ जाओ, बस 10 मिनट रह गए हैं, वो उसे पानी का ग्लास थमाते हुए कमरे से निकल गया। मुंह हाथ धोने के बाद जब वो सिटिंग एरिया में आई तो वो सहरी कर चुका था और चाय बनाने में मसरूफ था। लाउंज या किचन में और कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए पहले ही से बर्तन लगे हुए थे। मैं चाय बनाती हूँ, वो सहरी करने के बजाय मग निकालने लगी। तुम आराम से सहरी करो, अभी अजान हो जाएगी, मैं अपने लिए चाय खुद बना सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। सालार ने मग उसके हाथ से लेते हुए उसे वापस भेजा। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। ये सब लोग सो रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। सारी रात तो बातें करते रहे हम लोग, और शायद हमारी आवाजों की वजह से तुम डिस्टर्ब होती रही। नहीं, मैं सो गई थी, उसका लहजा बहुत बुझा हुआ था। सालार ने महसूस किया वो उसे बहुत अपसेट लगी। क्या कोई ज्यादा बुरा ख्वाब देखा है? वो चाय के मग टेबल पर रखते हुए कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। ख्वाब? वो चौंकी। नहीं, ऐसे ही। वो खाना खाने लगी। सुबह नाश्ता कितने बजे करेंगे ये लोग, उसने बात बदलते हुए पूछा। वो बेइख्तियार हंसा। ये लोग? कौन से लोग? ये तुम्हारी दूसरी फैमिली है अब, मम्मी पापा कहो उन्हें, और अनीता को अनीता। वो उसकी बात पर बेइख्तियार शर्मिंदा हुई। वो वाकई कल रात से उनके लिए वही दो लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी। नाश्ता तो नहीं करेंगे, अभी घंटे डेढ़ घंटे तक उठ जाएंगे, 10 बजे की फ्लाइट है। सालार ने उसकी शर्मिंदगी को भांपते हुए बात बदल दी। सुबह 10 बजे की? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो हैरान हुई। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आए थे ये लोग, पापा की कोई मीटिंग है आज 2 बजे, और अनीता तो अपने बच्चों को मुलाजमा के पास छोड़कर आई है। छोटी बेटी तो सिर्फ 6 माह की है उसकी, वो बता रहा था। चाय पियेंगे नाश्ते के बजाय, वो तुम बना देना। मैं अभी नमाज पढ़कर आ जाऊं, फिर उनके साथ ही ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा, और उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। सालार ने जमाई रोकते हुए चाय का खाली मग उठाया और खड़ा हो गया। इमामा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। तुम सोओगे नहीं? नहीं, शाम को ऑफिस से आने के बाद सोऊंगा। तुम छुट्टी ले लेते, इमामा ने रवानी से कहा। सिंक की तरफ जाते हुए सालार ने पलटकर इमामा को देखा और फिर बेइख्तियार हंसा। सोने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता, मेरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। तुम सोए नहीं रात को, इसलिए कह रही हूं। वो उसकी बात पर झींपी थी। मैं 48-48 घंटे बगैर सोए यूएन के लिए काम करता रहा हूं, वो भी शदीद गर्मी और सर्दी में, डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज में, और रात को तो मां बाप के पास बैठा परफेक्ट कंडीशंस में बातें करता रहा हूं। थकता क्यों? अजान हो रही थी। अब प्लीज मग मत धोना, मुझे अभी अपने बर्तन धोने हैं। इमामा ने चाय का मग खाली करते हुए उसे रोका। वो टी बैग निकालकर वेस्ट बास्केट में फेंकने लगी थी। ठीक है, धोइए। सालार ने बड़ी खुशदिली के साथ
मग सिंक में रखा और पलटा। वो कूड़ेदान का ढक्कन हटाए हुए फक होती रंगत के साथ टी बैग हाथ में पकड़े किसी बुत की तरह खड़ी थी। सालार ने एक नजर उसे देखा, फिर कूड़ेदान के अंदर पड़ी उस चीज को जिसने उसे यूं शॉक्ड कर दिया था। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, वो मध्यम आवाज में कहते हुए किचन से बाहर निकल गया था। वो बेख्तियार शर्मिंदा हुई। उसे यकीन था वो उस कूड़ेदान के अंदर पड़े जिंजर बियर के इस खाली कैन को वहां से नहीं देख सकता था जहां वो खड़ा था। इसके बावजूद उसको पता था कि वो क्या चीज देखकर सकते में आई थी। उसने जिंजर बाद में पड़ा था, बियर पहले। और ये सालार सिकंदर का घर ना होता तो उसका जहन पहले नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तरफ जाता, मगर यहां उसका जहन बेख्तियार दूसरी तरफ गया था। झुककर टी बैग फेंकते हुए उसने नॉन अल्कोहलिक के लफ्ज भी कैन पर देख लिए थे। कुछ देर वहीं खड़ी वो अपनी नदामत खत्म करने की कोशिश करती रही। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और सालार को भी वाकई करंट लगा था। वो दोनों अपने दरमियान एतमाद का जो पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कभी एक तरफ से टूट रहा था, कभी दूसरी तरफ से। उसने आखिरी बार शराब 8 साल पहले पी थी, लेकिन वो एनर्जी और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स तकरीबन हर रात काम के दौरान पीता था। इमामा को वेस्ट बास्केट के पास शॉक देखकर उसे ये जानने में सेकंड्स भी नहीं लगे थे कि वेस्ट बास्केट में पड़ी कौन सी चीज उसके लिए शॉकिंग हो सकती है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखता था और जिन पार्टीज में जाता था वहां ड्रिंक्स टेबल पर शराब भी मौजूद होती थी, और हर बार उस मशरूब से इनकार पर किसी ने पिछले 8 साल के दौरान शायद एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी 9 साल पहले वाले सालार सिकंदर से वाकिफ नहीं था। लेकिन वो एक फर्द जो 2 दिन पहले उसके घर में आया था, उसके पास सालार की किसी भी बात और अमल पर शुबा करने के लिए बड़ी ठोस वजूहात मौजूद थी। ये सब तो होगा ही, ऐसी हरकतें ना करता तब काबिले एतबार होता। अब जबकि माजी कुछ इतना साफ नहीं है तो उस पर अपना एतबार कायम करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने बड़ी आसानी के साथ सारा इल्जाम अपने सर लेकर इमामा को बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दिया था। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूं? उसने बेडरूम में आकर पूछा। वो ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रहा था। नहीं, मेरे कपड़े तो प्रेस होकर आते हैं, एक हैंगर निकालते हुए वो पलटकर मुस्कुराया था। इमामा को यकदम अपने कानों के बुंदे याद आए। तुमने मेरे इयररिंग्स कहीं देखे हैं? मैंने वॉशरूम में रखे थे, वहां नहीं मिले मुझे। हां, मैंने उठाए थे वहां से। वो ड्रेसिंग टेबल पर है। सालार 2 कदम आगे बढ़ा और इयररिंग्स उठाकर इमामा की तरफ बढ़ा दिए। ये पुराने हो गए हैं, तुम आज मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें नए ले दूंगा। वो इयररिंग्स कानों में पहनते हुए ठटकी। ये मेरे अब्बू ने दिए हैं जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला था, मेरे लिए पुराने नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है अपने पैसे जाया करने की। उसका रद्देअमल देखने के लिए इमामा ने पलट कर देखने की जहमत तक नहीं की। वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई थी। वो अगले कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। वो मोहब्बत से की हुई ऑफर थी जिसे उसके मुंह पर मार कर गई थी। कम से कम सालार ने यही महसूस किया था। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि मोहब्बत से की जाने वाली इस ऑफर को उसने जरूरत पूरी करने वाली चीज बना दिया था। वो मर्द था, जरूरत और मोहब्बत में फर्क नहीं कर पाता था। वो औरत थी, जरूरत और मोहब्बत में फर्क रखते रखते मर जाती। डॉक्टर सिप्ते अली को उस दिन सुबह ही सईदा अम्मा से तवील गुफ्तगू करने का मौका मिल गया था। वो 2 या 3 दिन बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया करते थे, और आज भी उन्होंने सईदा अम्मा की तबीयत पूछने के लिए ही फोन किया था। वो उनकी आवाज सुनते ही फट पड़ी थी।
डॉक्टर सिप्त अली बेयकीनी से उनकी बातें सुनते रहे। उन्हें सईदा अम्मा की किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। बेहद परेशानी के आलम में उन्होंने इमामा को फोन किया। इमामा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सईदा अम्मा डॉक्टर सिप्त अली से वाकई सब कुछ कह देंगी, और वो भी इतनी जल्दी। डॉक्टर सिप्त अली ने उसका हाल अहवाल पूछते ही उससे अगला सवाल यही किया था, सईदा बहन ने मुझे बताया है कि आपको सालार से कुछ शिकायतें हैं। वो बेहद परेशान लगे थे। इमामा का हल्क यकदम खुश्क हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इकरार करे या इनकार। उसकी खामोशी ने डॉक्टर सिप्त अली को मजीद परेशान किया। और सालार आपसे कौन सी पहली बीवी के बारे में बातें करता रहा है? वो बेइख्तियार होंठ काटने लगी। उसका जहन इस वक्त बिल्कुल माउफ हो गया था। वो सालार के खिलाफ तमाम शिकायत को इल्जामात के तौर पर दोहराना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मसला यह था कि वो डॉक्टर सिप्त अली से इतनी बेतकल्लुफी के साथ वो सब कुछ नहीं कह सकती थी जो उसने सईदा अम्मा से कहा था। सईदा अम्मा से शिकायतें करते हुए उसने मुबालगे से भी काम लिया था, और उसे यह अंदाजा नहीं हुआ कि सईदा अम्मा ने उसकी कौन सी बात किस तरह उन्हें बताई है। उसकी मसलसल खामोशी ने डॉक्टर सिप्त अली की परेशानी में इजाफा किया। बेटा, जो भी बात है आप मुझे बता दें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बू, वो मुझे बहुत इग्नोर करता है, ठीक से बात नहीं करता मुझसे, उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया। दो जुमलों के बाद उसे सब कुछ भूल गया। जो याद था उसे वो डॉक्टर सिप्त अली को नहीं बता सकती थी कि उसने इतने दिनों में उसकी या उसके कपड़ों की तारीफ नहीं की, उसके साथ सहरी नहीं की, इफ्तारी नहीं की, ऑफिस से देर से आता है, सुबह उसको बताए बगैर घर से चला जाता है, उसे इतने दिनों से फुरकान के घर का खाना खिला रहा है, और उसे शादी के दूसरे दिन सईदा अम्मा के पास छोड़ गया। डॉक्टर सिप्त अली ने उसकी दोनों शिकायत पर गौर किए बगैर उससे कहा, उसने आपसे किसी और शादी का जिक्र किया है? वो चंद लम्हों के लिए होंठ काटती रही। वो जानती थी कि उसने सईदा अम्मा से झूठ बोला है, और यही वो झूठ था जिसने सईदा अम्मा को इस कदर नाराज कर रखा था। नहीं, सईदा अम्मा को कुछ गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने सुर्ख चेहरे के साथ तर्दीद की। दूसरी तरफ फोन पर डॉक्टर सिप्त अली ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। आपको परसों सईदा अम्मा के पास क्यों छोड़ गया? उन्होंने दूसरे इल्जाम के बारे में कोई तबसरा किए बगैर कहा। जब आप दोनों हमारे घर पर थे तब तो आपका वहां ठहरने का कोई इरादा नहीं था, रास्ते में आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ? उन्होंने अपने आखिरी जुमले से इमामा को जैसे बना बनाया जवाब दिया। जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि, डॉक्टर सिप्त अली बात करते करते रुक गए। वो सालार के जिस रवैये की मंजरकशी कर रही थी वो उनके लिए नया था। खैर, मैं ड्राइवर को भेजता हूं, आप मेरी तरफ आ जाएं। सालार को भी इफ्तार पर बुलवा लेते हैं, फिर मैं उससे बात कर लूंगा। इमामा ने बेख्तियार आंखें बंद की। उस वक्त यही एक चीज थी जो वो नहीं चाहती थी। वो आजकल बहुत देर से ऑफिस से आ रहा है, कल रात भी 9 बजे आया, शायद आज ना आ सके, उसने कमजोर सी आवाज में कहा। मैं फोन करके पूछ लेता हूं उससे, डॉक्टर सिप्त अली ने कहा। जी, उसने बमुश्किल कहा, जो उनके कहने पर आंखें बंद करके किसी से भी शादी करने पर तैयार हो गया था वो इफ्तार की दावत पर ना आने के लिए किस मसरूफियत का जवाब बनाता। वो जानती थी कि डॉक्टर सिप्त अली को क्या जवाब मिलने वाला है। फोन बंद करके वो बेख्तियार अपने नाखून काटने लगी। ये दुरुस्त था कि उसे सालार से शिकायतें थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि शादी के चौथे ही दिन इस तरह की कोई बात होती। हेलो स्वीटहार्ट, 5 मिनट बाद उसने अपने सेल पर सालार की चहकती हुई आवाज सुनी, और उसके जमीर ने उसे बुरी तरह मलामत किया। बंदा उठता है तो कोई मैसेज ही कर देता है, फोन कर लेता है, ये तो नहीं कि उठते ही महके जाने की तैयारी शुरू कर दे। वो बेतकल्लुफी से हालात की नौयत का अंदाजा लगाए बगैर उसे छेड़ रहा था। इमामा के एहसास जुर्म में मजीद इजाफा हुआ। डॉक्टर सिप्त अली ने यकीनन उससे फिलहाल कोई बात किए बगैर उसे इफ्तार पर बुलाया था।
डॉक्टर साहब अभी इफ्तार के बारे में कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा, वो उसे बता रहा था। इमामा को यकदम कुछ उम्मीद बंधी। वो अगर पहले घर आ जाता तो वो उससे कुछ बात कर लेती, कुछ माजरत करके उसे डॉक्टर साहब के घर मुतवक्के सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकती थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ, सालार ने अगले ही जुमले में उसे ऑफर की। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, इमामा ने बेख्तियार कहा। ओके, मैं फिर उन्हें बता देता हूँ। और तुम क्या कर रही हो? उसका दिल चाहा वो उससे कहे कि वो उस गढ़े से निकलने की कोशिश कर रही है जो उसने सालार के लिए खोदा था। फुरकान की मुलाजमा आएगी आज सफाई करने के लिए। आम तौर पर तो वो सुबह मेरे जाने के बाद आकर सफाई करती है, लेकिन तुम इस वक्त सो रही होती हो तो मैंने उसे फिलहाल इस वक्त आने से मना किया है। तुम भाभी को कॉल करके बता देना कि वो उसे कब भेजें। वो शायद इस वक्त ऑफिस में फारिग था, इसलिए लंबी बात कर रहा था। कुछ तो बोलो यार, इतनी चुप क्यों हो? नहीं, वो मैं ऐसे ही। वो उसके सवाल पर बेख्तियार गड़बड़ाई। तुम फ्री हो इस वक्त? उसने बेहद मोहतात लहजे में पूछा। अगर वो फारिग था तो वो अभी उससे बात कर सकती थी। हाँ, एवेलुएशन टीम चली गई है, कम अज कम आज का दिन तो हम सब बहुत रिलैक्स्ड हैं। अच्छे कमेंट्स देकर गए हैं वो लोग, वो बड़े मुतमईन अंदाज में उसे बता रहा था। वो उसकी बातों पर गौर किए बगैर इस उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि बात कैसे शुरू करे। आज अगर डॉक्टर साहब इनवाइट ना करते तो मैं सोच रहा था रात को कहीं बाहर खाना खाते। फोर्ट्रेस में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगी हुई है, वहां चलते। बल्कि ये करेंगे कि उनके घर से डिनर के बाद फोर्ट्रेस चले जाएंगे। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के मुहावरे की आज पहली बार इमामा को समझ आई थी। ये मुहावरतन नहीं कहा गया था, वाकई बाज सिचुएशंस में चुल्लू भर पानी भी डबोने के लिए काफी होता है। वो अब बात शुरू करने के जतन कर रही थी और ये कैसे करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर मैं डॉक्टर साहब को जरा बता दूं, वो इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, सालार ने बात खत्म करते हुए कॉल बंद कर दी। वो फोन हाथ में पकड़े बैठी रह गई। वो तकरीबन 4 बजे घर आया था और वो उस वक्त तक ये तय कर चुकी थी कि उसे उससे किस तरह बात करनी है। सालार ऊपर नहीं आया था, उसने फोन पर उसे नीचे आने के लिए कहा। वो जब गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी तो उसने मुस्कुराकर सर के इशारे से उसका इस्तकबाल किया। वो फोन पर अपने ऑफिस के किसी आदमी से बात कर रहा था। हैंड फ्री कान से लगाए डॉक्टर सिप्ते अली के घर की तरफ ड्राइविंग करते हुए वो मसलसल उसी कॉल में मसरूफ रहा। इमामा की जैसे जान पर बनाई थी, अगर वो सारे रास्ते बात करता रहा तो एक सिग्नल पर रुकने पर उसने सालार का कंधा थपथपाया और बेहद खफगी के आलम में उसे कॉल खत्म करने का इशारा किया। नतीजा फौरी तौर पर आया। चंद मिनट मजीद बात करने के बाद सालार ने कॉल बिलाखिर खत्म कर दी। सॉरी, एक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उसने कॉल खत्म करने के बाद कहा। इस्लामाबाद चलोगी? उसके अगले जुमले ने इमामा के होश उड़ा दिए। वो सब कुछ जो वो सोचकर आई थी उसके जहन से गायब हो गया। इस्लामाबाद? उसने बेहद गैर यकीनी से सालार को देखा। हाँ, मैं इस वीकेंड पर जा रहा हूँ, सालार ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बेख्तियार अटकी। तुम्हारे पापा तो तुम्हें मना करके गए हैं कि मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ना लेकर आना। फिर? सालार ने उसकी बात काटी। हाँ, और अब वही कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें साथ लाना चाहूं तो ले आऊं, उसने बड़ी रवानी से कहा। वो उसका चेहरा देखती रही। मेरी फैमिली को पता लग सकता है, उसने लंबी खामोशी के बाद बिलाखिर कहा। आज या कल तो पता लगना ही है, सालार ने उसी अंदाज में कहा। यह तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारी उम्र तुम्हें छुपा कर रखूं, वो संजीदगी से कह रहा था। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे बारे में लोगों से कहा है कि तुम शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल हो गए हो, अब इतने सालों के बाद तुम्हारे हवाले से कुछ करेंगे तो खुद उन्हें भी एम्बेरसमेंट होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। वो मुतमइन था। तुम उन्हें नहीं जानते, उन्हें पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो परेशान होने लगी थी। वहां कभी कभार जाया करेंगे, खामोशी से जाएंगे और आ जाया करेंगे यार, इतना सोशलाइज नहीं करेंगे वहां,
वो उसकी बेफिक्री से चिढ़ी। उन्हें पता चला तो वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार डालेंगे। वो रूहानसी हो रही थी। फर्ज करो इमामा, अगर उन्हें इत्तफाकन तुम्हारे बारे में पता चलता है या यहाँ लाहौर में तुम्हें कोई देख लेता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो? नहीं पता चलेगा, मैं कभी बाहर जाऊंगी ही नहीं, उसने बेसाख्ता कहा। तुम्हारा दम नहीं घुटेगा इस तरह? उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में मसीहा जैसी हमदर्दी थी। मुझे आदत हो गई है सालार इतना ही सांस लेने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो महीनों घर से नहीं निकलती थी। मैं इतने सालों से लाहौर में हूं, लेकिन मैंने यहां बाजारों, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ सड़क पर सफर करते हुए बाहर से देखा है या टीवी और न्यूज़पेपर्स में। मैं अगर अब उन जगहों पर जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मुझे वहां करना क्या है। जब मुल्तान में थी तो भी हॉस्टल और कॉलेज के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में। अब लाहौर आ गई तो यहां भी पहले यूनिवर्सिटी और घर, और अब घर। मुझे इनके अलावा दूसरी सारी जगहें अजीब सी लगती हैं। महीने में एक बार मैं सईदा अम्मा के घर के पास एक छोटी सी मार्केट में उनके साथ जाती थी। वो मेरी वाहिद आउटिंग होती थी। वहां एक बुक शॉप थी। मैं पूरे महीने के लिए बुक्स ले लेती थी वहां से। किताब के साथ वक्त गुजारना आसान होता है, वो पता नहीं उसे क्यों बता दी गई। हाँ, वक्त गुजारना आसान होता है, जिंदगी गुजारना नहीं। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़ कर उसे देखा। वो ड्राइव कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता सालार, मुझे फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। सालार ने बेख्तियार उसकी बात काटी। मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं, जैसी कभी तुम्हारी जिंदगी थी। तुम नहीं चाहती ये सब कुछ खत्म हो जाए? वो उससे पूछ रहा था। अब नॉर्मल लाइफ ही सही, लेकिन मैं सेफ हूं। सालार ने बेख्तियार उसके कंधों पर अपना बाजू फैलाया। तुम अब भी सेफ रहोगी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। क्या सोच रही हो? सालार ने बोलते बोलते उसकी खामोशी नोटिस की। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया, ये ठीक नहीं हुआ। वो बेहद अपसेट हो गई। हाँ, अगर तुम किसी और के साथ शादी करती तो ये वाकई अनफेयर होता, लेकिन मेरी कोई बात नहीं। मैंने तो खैर पहले भी तुम्हारी फैमिली की बहुत गालियां और बददुआएं ली हैं, अब फिर सही? वो बड़ी बेपरवाही से कह रहा था। तो फिर सीट बुक करवा दूं तुम्हारी? वो वाकई ढीठ था। वो चुप बैठी रही। उस शाम सालार को डॉक्टर सिप्त अली और उनकी बीवी कुछ संजीदा लगे थे, और उस संजीदगी की कोई वजह उसे समझ नहीं आई। इमामा भी खाने के दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन उसने उसकी खामोशी को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का नतीजा समझा। वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब डॉक्टर सिप्त अली ने उस मौजू को छेड़ा। सालार, इमामा को कुछ शिकायतें हैं आपसे। वो चाय का घूंट लेते हुए ठटका। ये बात अगर डॉक्टर सिप्त अली ने ना कही होती तो वो इसे मजाक समझता। उसने कुछ हैरानी के आलम में डॉक्टर सिप्त अली को देखा, फिर अपने बराबर में बैठी इमामा को। वो चाय का कप अपने घुटने पर रखे चाय पर नजरें जमाए हुए थी। उसके जहन में पहला ख्याल गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का आया। लेकिन इमामा ने किस वक्त डॉक्टर साहब को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया था? वो बेहद हैरान हुआ। जी, उसने कप वापस पिर्च में रख दिया। इमामा आपके रवैये से नाखुश हैं, डॉक्टर सिप्त अली ने अगला जुमला बोला। सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। जी, उसने बेख्तियार कहा, मैं समझा नहीं। आप इमामा पर तंज करते हैं? वो पलकें झपके बगैर डॉक्टर सिप्त अली को देखता रहा। बमुश्किल सांस लेकर चंद लम्हों बाद उसने इमामा को देखा। ये आपसे इमामा ने कहा? उसने उसे बेयकीनी से देखते हुए डॉक्टर सिप्त अली से कहा। हां, आप इससे ठीक से बात नहीं करते। सालार ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इमामा को देखा। वो अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। ये भी आपसे इमामा ने कहा? उसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो रहे थे। डॉक्टर सिप्त अली ने सर हिलाया। सालार ने बेख्तियार अपने होंठ का एक कोना काटते हुए
चाय का कप सेंटर टेबल पर रख दिया। उसका जहन पूरी तरह चकरा गया था। ये उसकी जिंदगी की सबसे परेशान कुन सूरतेहाल में से एक थी। इमामा ने चाय के कप से उठती भाप पर नजरें जमाए। बेहद शर्मिंदगी और पछतावे के आलम में उसको गला साफ करते हुए कहते सुना, और जो कुछ हो रहा था ये उसकी ख्वाहिश नहीं थी, हमाकत थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और ये कि आप कहीं जाते हुए इसे इन्फॉर्म नहीं करते, परसों आप झगड़ा करने के बाद इसे सईदा बहन की तरफ छोड़ गए थे। इस बार सालार ने पहले कुलसूम आंटी को देखा, फिर डॉक्टर सिप्ते अली को, फिर इमामा को। अगर आसमान उसके सर पर गिरता तब भी उसकी ये हालत ना होती जो इस वक्त हुई थी। झगड़ा? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए कहना शुरू किया था। और इमामा ने खुद मुझसे कहा था कि वो सईदा अम्मा के घर रहना चाहती है, और मैं तो पिछले चार दिनों से कहीं। वो बात करते करते रुक गया। उसने इमामा की सिसकी सुनी थी। उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो अपना नाक रगड़ रही थी। कुलसूम आंटी और डॉक्टर साहब भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सालार बात जारी नहीं रख सका। कुलसूम आंटी उठकर उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगी। वो हक्का बक्का बैठा रहा। डॉक्टर सिप्ते अली ने मुलाजिम को पानी लाने के लिए कहा। सालार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त वहां अपनी सफाइयां देने और वजाहत करने का मौका नहीं था। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा। वो उल्लू का पट्टा है, क्योंकि पिछले चार दिन से उसकी छठी हिस जो सिग्नल्स बार बार दे रही थी वो बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ उसने खुशफहमी और बेपरवाही का मुजाहिरा किया था। 5-10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब तकरीबन आधे घंटे तक सालार को समझाते रहे। वो खामोशी से सर हिलाते हुए उनकी बातें सुनता रहा। उसके बराबर बैठी इमामा को बेहद नदामत हो रही थी। इसके बाद सालार का अकेले में सामना करना मुश्किल था। ये उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। आधे घंटे के बाद वो दोनों वहां से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी डॉक्टर सिप्ते अली के घर के गेट से बाहर निकलते ही इमामा ने उसे कहते सुना, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यकीन नहीं कर सकता। इसे उससे इसी रद्दे अमल की तवक्को थी। वो विंड स्क्रीन से नजर आती हुई सड़क पर नजरें जमाए बैठी इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। मैं तुम पर तंज करता हूं, तुमसे ठीक से बात नहीं करता, तुम्हें बताए बगैर जाता हूं, तुम्हें सईदा अम्मा के घर छोड़ गया था, झगड़ा किया, तुमने लोगों से झूठ बोला। इमामा ने बेख्तियार उसे देखा। वो झूठ का लफ्ज इस्तेमाल ना करता तो उसे इतना बुरा ना लगता। मैंने झूठ नहीं बोला, उसने बेहद खफकी से कहा। मैं तुम पर तंज करता हूं, सालार की आवाज में तेजी आ गई। तुमने उस रात मेरे अंधेरे में सोने की आदत को अजीब कहा। वो बेयकीनी से उसका मुंह देखता रह गया। वो तंज था, वो तो बस ऐसे ही एक बात थी, मगर मुझे अच्छी नहीं लगी, उसने बेसाख्ता कहा। तुमने भी तो जवाबन मेरी रोशनी में सोने की आदत को अजूबा कहा था, वो इस बार चुप रही। सालार वाकई बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। और मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करता, वो अगले इल्जाम पर आया। मुझे लगा था, उसने इस बार मुदाफियाना अंदाज में कहा। लगा था? वो मजीद खफा हुआ। तुम्हें सिर्फ लगा और तुमने सीधा डॉक्टर साहब से जाकर कह दिया? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सईदा अम्मा ने सब कुछ कहा था, उसने वजाहत की। वो चंद लम्हे सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं सका। यानी तुमने उनसे भी ये सब कुछ कहा है? वो चुप रही। वो होंठ काटने लगा। उसे अब सईदा अम्मा की उस रात की बेरुखी की वजह समझ में आ रही थी। और मैं कहां जाता हूं जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया? सालार को याद आया, तुम सहरी के वक्त मुझे बताकर गए। सालार उसका चेहरा देखकर रह गया। इमामा, मैं मस्जिद जाता हूं उस वक्त फुरकान के साथ, उसके बाद जिम और फिर वापस घर आ जाता हूं। अब मैं मस्जिद में भी तुम्हें बताकर जाया करूं? वो झंझलाया था। मुझे क्या पता तुम इतनी सुबह कहां जाते हो, मुझे तो अपसेट होना ही था, इमामा ने कहा। उसकी वजाहत पर वो मजीद तप गया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं रमजान में सहरी के वक्त कहां जा सकता हूं? किसी नाइट क्लब या किसी गर्लफ्रेंड से मिलने? कोई अहमक भी जान सकता है कि मैं कहां जा सकता हूं, वो अहमक के लफ्ज पर बुरी तरह तिल मिलाई। ठीक है, मैं वाकई अहमक हूं बस। और सईदा अम्मा के घर में रहने का तुमने कहा था,
कहा था ना, और कौन सा झगड़ा हुआ था हमारा? वो खामोश रही। इतने ज्यादा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो इस बार उसकी बात पर रोहन सी हो गई। बार बार झूठा मत कहो इमामा, जो झूठ है मैं उसे झूठ ही कहूंगा। तुमने डॉक्टर साहब के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? वो वाकई बुरी तरह अपसेट था। अच्छा अब ये सब खत्म करो। उसने इमामा के गालों पर यकदम बहने वाले आंसू देख लिए थे और वो बुरी तरह झुंझलाया था। हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं इमामा, इसमें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। वो रोती रही। ये ठीक नहीं है इमामा, तुमने डॉक्टर साहब के घर भी यही किया था मेरे साथ। उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा था लेकिन झुंझलाहट बढ़ गई थी। जो कुछ भी था वो उसकी शादी का चौथा दिन था और वो एक घंटे में दूसरी बार यूं जारो जार रो रही थी। उसकी जगह कोई भी लड़की यूं रो रही होती तो वो परेशान होता, ये तो खैर इमामा थी। वो बेख्तियार नरम पड़ा। उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर उसने जैसे उसे चुप करवाने की कोशिश की। इमामा ने डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकालकर अपनी सुर्ख होती हुई नाक को रगड़ा और सालार की सुलह की कोशिशों पर पानी फेरते हुए कहा, मैं इसीलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पता था तुम मेरे साथ इसी तरह का सलूक करोगे। वो इस जुमले पर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। फिर उसने उसके कंधे से हाथ हटाते हुए कहा, कैसा सलूक, तुम वजाहत करोगी? उसके लहजे में फिर खफकी उतर आई। मैंने आखिर क्या किया है तुम्हारे साथ? वो एक बार फिर हिचकियों से रोने लगी। सालार ने बेबसी से अपनी आंखें बंद की। वो ड्राइविंग ना कर रहा होता तो यकीनन सर भी पकड़ लेता। बाकी रस्ते में दोनों में कोई भी बात नहीं हुई। कुछ देर बाद वो बिलाखिर चुप हो गई। सालार ने सुकून का सांस लिया। अपार्टमेंट में आकर भी दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो बेडरूम में जाने के बजाय लाउंज के एक सोफे पर बैठ गई थी। सालार बेडरूम में चला गया। वो कपड़े बदल कर बेडरूम में ही था। वो तब भी अंदर नहीं आई थी। अच्छा है, उसे बैठकर अपने रवैये के बारे में कुछ देर सोचना चाहिए, उसने अपने बेड पर लेटते हुए सोचा। वो सोना चाहता था। उसने बेडरूम की लाइट्स ऑफ नहीं की थी लेकिन नींद यकदम उसकी आंखों से गायब हो गई थी। अब ठीक है बंदा सोचे, लेकिन इतना भी क्या सोचना? मजीद 5 मिनट गुजरने के बावजूद उसके नमूदार ना होने पर वो बेख्तियार झुंझलाया। 2 मिनट मजीद गुजरने के बाद वो बेडरूम से निकल आया। वो लाउंज के सोफे के एक कोने में दोनों पांव ऊपर रखे कुशन गोद में लिए बैठी थी। सालार ने सुकून का सांस लिया। कम अज कम वो उस वक्त रो नहीं रही थी। सालार के लाउंज में आने पर उसने सर उठाकर भी उसे नहीं देखा था। वो बस इसी तरह कुशन को गोद में लिए उसी के धागे खींचती रही। वो उसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। कुशन को एक तरफ रखते हुए इमामा ने बेख्तियार सोफे से उठने की कोशिश की। सालार ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। यहीं बैठो, उसने तहुकमाना अंदाज में उससे कहा। उसने एक लम्हे के लिए बाजू छुड़ाने का सोचा, फिर इरादा बदल दिया। वो दोबारा बैठ गई लेकिन उसने अपने बाजू से सालार का हाथ हटा दिया। मेरा कोई कसूर नहीं है लेकिन आई एम सॉरी, उसने मसालेहत की पहली कोशिश का आगाज किया। इमामा ने खफगी से उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो कुछ देर उसके बोलने का मुंतजर रहा लेकिन फिर उसे अंदाजा हो गया कि वो फिलहाल उसकी माजरत कबूल करने का कोई इरादा नहीं रखती। तुम्हें यह क्यों लगा कि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा? इमामा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उसने उसके खामोश रहने पर कहा। तुम मुझे इग्नोर करते रहे, एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बिलाखिर कहा। इग्नोर? वो भौंच कर रह गया। मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा? मैं कर सकता हूं, उसने बेयकीनी से कहा। इमामा ने उससे नजरें नहीं मिलाई। तुम सोच भी कैसे सकती हो ये? तुम्हें इग्नोर करने के लिए शादी की थी मैंने तुमसे? तुम्हें इग्नोर करने के लिए इतने सालों से ख्वार होता फिर रहा हूं मैं, लेकिन तुम करते रहे। वो अपनी बात पर मुसर थी। तुम जबान से एक बात कहते हो लेकिन तुम, वो बात करते करते रुकी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। रुको मत, कहती रहो। मैं जानना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे तुम्हें मेरे बारे में इतनी गलत फहमियां हो रही हैं।
उसने उसकी आंखों की नमी को नजरअंदाज करते हुए बेहद संजीदगी से कहा, मैंने तुम्हें सुबह मस्जिद जाते हुए नहीं बताया, ऑफिस जाते हुए भी नहीं बताया। और उसने गुफ्तगू शुरू करने के लिए उसे क्यू दी, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम इफ्तार पर देर से आओगे, तुम चाहते तो जल्दी भी आ सकते थे। वो रुकी और सालार ने कोई वजाहत किए बगैर कहा, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें मैसेज किया लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। अपने पेरेंट्स को रिसीव करने या छोड़ने के लिए तुम मुझे भी एयरपोर्ट ले जा सकते थे लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा। ठीक है, मैंने कहा था कि मुझे सईदा अम्मा के घर छोड़ दो लेकिन तुमने एक बार भी मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा। मेरी कितनी बेइज्जती हुई उनके सामने, वो बहते आंसुओं के साथ कह रही थी। वो पलक झपके बगैर यकटुक उसे देख रहा था। पानी अब उसकी आंखों से ही नहीं नाक से भी बहने लगा था। वो पूरी दिल जमी से रो रही थी। सालार ने सेंटर टेबल के टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसका हाथ झटक कर खुद एक टिश्यू पेपर निकाल लिया। उसने नाक रगड़ी थी, आंखें नहीं। और सालार ने बड़े तहमुल के साथ एक बार फिर कहा, वो कहना चाहती थी कि उसने उसे शादी का कोई गिफ्ट तक नहीं दिया। उसकी एक दुखती रग ये भी थी लेकिन उससे तोहफे का जिक्र करना उसे अपनी तोहीन लगी। उसने तोहफे का जिक्र नहीं किया। कुछ देर वो अपना नाक रगड़ती सिसकियों के साथ रोती रही। सालार ने बिलाखिर उससे पूछा, बस या अभी कुछ और भी जुर्म है मेरे? मुझे पता था कि तुम शादी के बाद मेरे, सालार ने उसकी बात काट दी, साथ यही करोगे। मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। वो उसके जुमले पर बुरी तरह चिढ़ा था। इसके बावजूद अब तुम मुझे कुछ कहने का मौका दोगी? वो चुप बैठी अपनी नाक रगड़ती रही। अगर मैं शादी के अगले दिन ऑफिस से जल्दी आ सकता तो आ जाता। आज आया हूं ना जल्दी, तुम अपने पेरेंट्स के लिए तो आ गए थे। इमामा ने मदाखलत की, उस दिन मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी और मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार। तुम अपना सेलफोन देखो या मैं दिखाऊं, सालार ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मेरे मैसेज करने पर तो नहीं की थी ना? उस वक्त मैं मीटिंग में था, मेरा सेल मेरे पास नहीं था। बोर्ड रूम से निकलकर पहली कॉल मैंने तुम्हें ही की थी। रिसीव करना तो एक तरफ, तुमने तवज्जो तक नहीं दी। मैंने सईदा अम्मा के घर भी तुम्हें कॉल्स की, तुमने वहां भी यही किया, बल्कि सेल ऑफ कर दिया। तो मुझे भी नाराज होना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने तो सोचा तक नहीं इस चीज के बारे में। वो अब उसे संजीदगी से समझा रहा था, तुम्हें अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाना तो मुमकिन ही नहीं था। एयरपोर्ट एक तरफ है, बीच में मेरा ऑफिस है और दूसरी तरफ घर। मैं पहले यहां आता, तुम्हें लेकर फिर एयरपोर्ट जाता, दुगना टाइम लगता। और तुम्हारे लिए उन्हें एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना जरूरी नहीं था। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, अब मैं शिकायत करूं तुमसे? इमामा ने नजरें उठाकर उसे देखा। तुमने सईदा अम्मा के घर पर ठहरने का फैसला किया, मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। उसकी आंखों में सैलाब का एक नया रेला आया। मेरा ख्याल था तुम मुझे वहां रहने ही नहीं दोगे, लेकिन तुम तो तंग आए हुए थे मुझसे, तुमने मुझे एक बार भी साथ चलने को नहीं कहा। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मुझे क्या पता था, मैंने सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश है, मुझे पूरी करनी चाहिए। चलो ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे कहना चाहिए था तुम्हें चलने के लिए, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए बाहर तक तो आना चाहिए था। मैं 15 मिनट सहन में खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन तुमने एक लम्हे के लिए भी बाहर आने की जहमत नहीं की। मैं नाराज थी इसलिए नहीं आई। नाराजी में भी कोई फॉर्मेलिटी तो होती है ना? वो खामोश रही। तुमने फुरकान के हवाले से जिद की कि मुझे वहां नहीं जाना, खामखा की जिद थी। मुझे बुरा लगा था लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं किया। वो एक लम्हे के लिए रुका। फुरकान मेरा सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, फुरकान और भाभी ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, और ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं कि मेरी वाइफ उस फैमिली की इज्जत ना करे। उसकी आंखों में उमड़ते सैलाब के एक और रेले को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा। इमामा ने इस बार कोई वजाहत नहीं दी थी। मैंने तुमसे ये गिला भी नहीं किया कि तुमने मेरे पेरेंट्स को एक दफा भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि वो यहां ठीक से पहुंच गए या उनकी फ्लाइट ठीक रही। वो बड़े तहम्मुल से कह रहा था। वो जज़्बस हुई। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तुम मुझसे ले लेती,
अगर तुम वाकई उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होती। वो तुम्हारे लिए यहाँ आए थे तो तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती थी ना कि तुम उनकी फ्लाइट के बारे में उनसे पूछती या उनके जाने के बाद उनसे बात करती, तो तुम मुझसे कह देते। क्यों नहीं कहा? मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये मेरे नजदीक कोई इश्यूज नहीं है, ये मामूली बातें हैं। ये ऐसे इश्यूज नहीं है कि जिन पर मैं तुमसे नाराज होता फिरूं या झगड़ा करूं। वो बोल नहीं सकी। लेकिन तुमने ये किया कि मेरे खिलाफ केस तैयार करती रही, हर छोटी बड़ी बात इकट्ठी करती रही, मुझसे कोई शिकायत नहीं की लेकिन सईदा अम्मा को सब कुछ बताया और डॉक्टर साहब को भी। किसी दूसरे से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी ना। उसके आंसू थमने लगे। वो उसे बड़े तहम्मुल से समझा रहा था। अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनता तो और बात थी, फिर तुम कहती किसी से भी, मुझे एतराज ना होता। वो खामोश रही। उसकी बात कुछ गलत भी नहीं थी। तुम सो ना रही होती तो मैं यकीनन तुम्हें बताकर ही घर से निकलता कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन मैं एक सोए हुए बंदे को सिर्फ ये बताने के लिए उठाऊं कि मैं जा रहा हूं, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। वो कुछ बोल ना सकी। मैं हैरान हुई मामा कि ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया। मैं 4 दिन से 7वें आसमान पर हूं और तुम कह रही हो मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। इमामा को एक और खता याद आई। सालार ने चौंक कर उसे देखा। किस चीज की तारीफ? उसने हैरान होकर पूछा। ये एक बेहद अहमकाना सवाल था, लेकिन इस सवाल ने इमामा को शर्मिंदा किया था। अब ये भी मैं बताऊं? वो बुरी तरह बिगड़ी थी। तुम्हारी खूबसूरती की? सालार ने कुछ उलझकर अंदाजा लगाया। वो मजीद खफा हुई। मैं कब कह रही हूं खूबसूरती की करो? किसी भी चीज की तारीफ कर देते, मेरे कपड़ों की कर देते। उसने कह तो दिया लेकिन वो ये शिकायत करने पर पछताई। सालार के जवाबी सवालों ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा किया था। सालार ने एक नजर उसे फिर उसके कपड़ों को देखकर एक गहरा सांस लिया और बेइख्तियार हंसा। इमामा, तुम मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के लिए कह रही हो? उसने हंसते हुए कहा। यह जैसे उसके लिए मजाक था। वो बुरी तरह झींप गई। मत करो, मैंने कब कहा है? नहीं, यू आर राइट, मैंने वाकई अभी तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं सराहा, मुझे करना चाहिए था। वो यकदम संजीदा हो गया। उसने इमामा की शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। उसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए उसने इमामा को अपने करीब किया। इस बार इमामा ने उसका हाथ नहीं झटका था। उसके आंसू अब थम चुके थे। सालार ने दूसरे हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ को बड़ी नरमी के साथ सहलाते हुए बोला, ऐसी शिकायतें वहां होती हैं जहां सिर्फ चंद दिन का साथ हो, लेकिन जहां जिंदगी भर की बात हो वहां ये सब कुछ बहुत सेकेंडरी हो जाता है। उसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से समझा रहा था। तुमसे शादी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी और मानी रखती है, लेकिन आइंदा भी कुछ मानी रखेगी, इसका इन्हेसार तुम पर है। मुझसे जो गिला है उसे मुझसे करो, दूसरों से नहीं। मैं सिर्फ तुमको जवाब दे हूं इमामा, किसी और के सामने नहीं। उसने बड़े नपे तुले लफ्जों में उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन दोस्तों से ज्यादा बेतकल्लुफी और साफ गोई रही है हमारे ताल्लुक में। शादी का रिश्ता इसे कमजोर क्यों कर रहा है? इमामा ने एक नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा। उसे उसकी आंखों में भी वही संजीदगी नजर आई जो उसके लफ्जों में थी। उसने एक बार फिर सर झुका लिया। वो गलत नहीं कह रहा था। उसके दिल ने एतराफ किया। तुम मेरी जिंदगी में हर शख्स और हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, सालार ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन ये एक जुमला मैं तुम्हें हर रोज नहीं कह पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इंपॉर्टेंस अब मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। यह तुम्हें तय करना है कि वक्त गुजरने के साथ तुम इस इंपॉर्टेंस को बढ़ाओगी या कम कर दोगी। उसकी बात सुनते हुए इमामा की नजर उसके उस हाथ की पुश्त पर पड़ी जिससे वो उसका हाथ सहला रहा था। उसके हाथ की पुश्त बेहद साफ सुथरी थी। हाथ की पुश्त और कलाई पर बाल ना होने के बराबर थे। हाथ की उंगलियां किसी मुसव्विर की उंगलियों की तरह लंबी
और आम मर्दों के हाथों की निस्बत पतली थी। उसके हाथों की पुश्त पर सब्ज और नीली रगें बहुत नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। उसकी कलाई पर रिस्ट वॉच का हल्का सा निशान था। वो यकीनन बहुत बाकायदगी से रिस्ट वॉच पहनता था। वॉच पहली बार उसके हाथ को इतने गौर से देख रही थी। उसे उसके हाथ बहुत अच्छे लगे। उसका दिल कुछ और मोम हुआ। उसकी तवज्जो कहां थी, सालार को अंदाजा नहीं हो सका। वो उसे उसी तरह संजीदगी से समझा रहा था। मोहब्बत या शादी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपने अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखना शुरू कर दें। इससे रिश्ते मजबूत नहीं होते, दम घुटने लगता है। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की इंफरादी हैसियत को तस्लीम करना, एक दूसरे की आजादी के हक का एहतराम करना बहुत जरूरी है। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। वो अब बेहद संजीदा था। हम दोनों अगर सिर्फ एक दूसरे के ऐब और कोताहियां ढूंढते रहेंगे तो बहुत जल्द हमारे दिल से एक दूसरे के लिए इज्जत और लिहाज खत्म हो जाएगा। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों चीजें मोहब्बत के घर की चार दीवारी हैं। चार दीवारी खत्म हो जाए तो घर को बचाना बड़ा मुश्किल है। इमामा ने बड़ी हैरानी से उसे देखा। वो उसकी आंखों में हैरानी देखकर मुस्कुराया। अच्छी फिलॉसफी है ना? इमामा की आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट बयक वक्त आई थी। उसने असबात में सर हिलाया। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब करते हुए कहा, मैं अल्लाह का परफेक्ट बंदा नहीं हूं तो तुम्हारा परफेक्ट शोहर कैसे बन सकता हूं इमामा? शायद अल्लाह मेरी कुताहियां नजरअंदाज कर दे तो तुम भी माफ कर दिया करो। वो हैरानी से उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई सालार सिकंदर से नावाकिफ थी। सालार ने बड़ी नरमी के साथ उसकी आंखों के सूजे हुए पपोटों को अपनी पोरों से छुआ। क्या हाल कर लिया है तुमने अपनी आंखों का, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वो बड़ी मुलायमत से कह रहा था। इमामा ने जवाब देने के बजाय उसके सीने पर सर रख दिया। वो अब बेहद पुरसुकून थी। उसके गिर्द अपना एक बाजू हमायल करते हुए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे और गर्दन पर आए हुए बालों को हटाते हुए उसने पहली बार नोटिस किया कि वो रोने के बाद ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन उससे ये बात कहना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। वो उसके नाइट ड्रेस की शर्ट पर बने पैटर्न पर गैर महसूस अंदाज में उंगलियां फेर रही थी। मोव कलर अच्छा लगता है तुम पर, उसने बेहद रोमांटिक अंदाज में उसके कपड़े पर एक नजर डालते हुए कहा। उसके सीने पर हरकत करता उसका हाथ यकदम रुका। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। सालार ने उसकी आंखों में खफगी देखी। वो मुस्कुराया। तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी, ये टी पिंक है। ओह अच्छा, सालार ने गड़बड़ाकर उसके कपड़ों को दोबारा देखा। ये टी पिंक है? मैंने असल में मोव कलर बहुत अरसे से किसी को पहने नहीं देखा, सालार ने वजाहत की। कल मोव पहना हुआ था मैंने। इमामा की आंखों की खफगी बढ़ी। लेकिन मैं तो उसे पर्पल समझा था, सालार मजीद गड़बड़ाया। वो जो सामने दीवार पर पेंटिंग है ना, उसमें है पर्पल फ्लावर्स। इमामा ने कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करने की कोशिश की। सालार उस पेंटिंग को घूरते हुए उसे ये नहीं बता सका कि वो इन फ्लावर्स को ब्लू कलर का कोई शेड समझकर लाया था। इमामा अब उसका चेहरा देख रही थी। सालार ने कुछ बेचारगी के अंदाज में गहरा सांस लिया। मेरा ख्याल है इस शादी को कामयाब करने के लिए मुझे अपनी जेब में एक शेड कार्ड रखना पड़ेगा, वो पेंटिंग को देखते हुए बड़बड़ाया।